हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की प्रस्तुति है कक्षा सातवीं के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। यह एक साक्षात्कार है जिसे लिया है विनीता पांडे ने। साक्षात्कार के बारे में जानने से पूर्व हम बात करेंगे इस पाठ के उद्देश्य के बारे में। इस पाठ का सर्वप्रमुख उद्देश्य यह है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई के जीवन और उनकी स्वभावगत विशेषताओं का परिचय प्राप्त कर सकें। आप सभी को प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई के जीवन और उनके स्वभाव के बारे में पता चल सके और इसके साथ साथ जो संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किए हैं वो किस प्रकार वो उनके लिए साधक सिद्ध हुए बाधक नहीं, उससे आप प्रेरणा ले सकें और जीवन में आगे बढ़ सकें। दूसरा, विद्यार्थियों को साक्षात्कार विधा के बारे में जानकारी प्रदान करना। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, आप सभी विद्यार्थियों को इस विधा के बारे में पता चल सके कि किसी व्यक्ति विशेष का अगर हम इंटरव्यू लेते हैं, साक्षात्कार लेते हैं, तो उनसे किस प्रकार की बातचीत की जाती है, किस प्रकार से हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किस प्रकार की विनम्रता, किस प्रकार की जो प्रश्न चर्चा उनके साथ की जानी चाहिए, इसकी जानकारी विद्यार्थियों को मिल सके, इस उद्देश्य के साथ यह पाठ आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके पश्चात अगला उद्देश्य यह है, यह प्रमाणित करना कि जीवन में विकट परिस्थितियों के बावजूद भी कठिन मेहनत से उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की विकट परिस्थितियां हो, कैसा ही संकट हो, कैसा ही अभाव हो, कैसी ही गरीबी हो, अगर हमारा जीवन लक्ष्य स्पष्ट है तो हम अवश्य मेहनत के बल पर कठिन परिश्रम से और लक्ष्य को साधते हुए प्रमाणित करना कि जीवन में विकट परिस्थितियों के बावजूद भी कठिन मेहनत से उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों को यह बात प्रमाण सहित स्पष्ट हो जाएगी जब वो इस साक्षात्कार को पढ़ेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए, गरीबी का सामना करते हुए, संसाधनों की कमी को झेलते हुए भी धनराज पिल्लई दुनिया के श्रेष्ठतम खिलाड़ियों की श्रेणी में शामिल हुए। इसके बाद अगला उद्देश्य है, जीवन में असंभव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। यह तथ्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थियों स्थान नहीं है। यह उद्देश्य अगर हम जीवन में समझ लेते हैं तो हर विकट परिस्थिति का सामना हम कर सकते हैं। जीवन में सब कुछ संभव है अगर कठिन मेहनत, कठिन परिश्रम किया जाए। इसके बाद संसाधनों की कमी, गरीबी अथवा पढ़ाई में पिछड़ापन भी आपको सफल होने में बाधक नहीं हो सकता। अगर आपके यहाँ ऐसे संसाधन नहीं है, घर में गरीबी है अथवा आप पढ़ाई में बहुत बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यह प्रेरणा आपको प्राप्त होगी जब इस साक्षात्कार को आप अच्छे ढंग से समझेंगे। यदि है तो सख्त परिश्रम का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। यह साक्षात्कार का बिल्कुल सारांश है, मुख्य उद्देश्य है। धनराज पिल्लई ने अपने जीवन में ये धार रखा था कि उसे एक श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी ही बनना है, तो इसलिए उसने सख्त मेहनत की और सख्त मेहनत करते हुए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी, विकट परिस्थितियों को झेलते हुए भी, संकटों को झेलते हुए भी, गरीबी और पढ़ाई में पिछड़ेपन का सामना करते हुए भी, संसाधनों की कमी के बावजूद भी वो निरंतर लगे रहे, क्योंकि उनके सामने एक ही लक्ष्य था, बिल्कुल मछली की आंख की तरह। यानी कि जिस प्रकार अर्जुन का एकमात्र लक्ष्य उसको दिखाई दे रहा था कि उसको मछली की आंख में निशाना लगाना है, तो उसी प्रकार अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य रखकर चले थे कि उन्हें जीवन में श्रेष्ठतम हॉकी खिलाड़ी बनना है, तो वो सफलता उन्हें एक दिन प्राप्त हो गई। खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, इस कथन पर अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। इसका भाव यह है कि पहले हमारी पारंपरिक रूप से ये अवधारणा थी कि केवल शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करते हुए ही हम जीवन में श्रेष्ठता को या उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं,
किंतु ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो उच्चतम शिक्षा के बिना भी अपने अच्छे खेल के दम पर आज बुलंदियों पर हैं। सचिन तेंदुलकर इसका उदाहरण है, जो कक्षा 10वीं में गणित के अंदर असफल हो गए थे, लेकिन उनके सामने एक लक्ष्य था कि मुझे एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी बनना है। तो अपनी सख्त मेहनत, अपने समर्पण के साथ उन्होंने उस लक्ष्य को प्राप्त किया। लेकिन यहाँ पे ये बात आपको स्पष्ट कर दी जाती है, इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि केवल खेल ही सफलता का आधार है। शिक्षा जीवन सफलता के लिए मूल आवश्यकता है और हमेशा रहेगी। यह सफलता के लिए सहायक और साधक है, बाधक नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि चाहे हमारे जीवन में कैसी ही विकट परिस्थितियाँ हों, संसाधनों का अभाव हो, गरीबी हो, अगर हम चाहें सख्त मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें और अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें, तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। तो आइए सबसे पहले इस साक्षात्कार का सारांश जानते हैं। धनराज पिल्लई हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। जब उनकी उम्र 35 वर्ष की थी, तब विनीता पांडे ने उनका साक्षात्कार लिया था। उनके जीवन के कई पहलुओं की जानकारी मिलती है। धनराज ने साक्षात्कार में अपने बचपन के मुश्किल दिनों की चर्चा की है, जब गरीबी के कारण उनके पास हॉकी स्टिक खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह साथियों की स्टिक उधार मांगकर हॉकी खेलने का शौक पूरा करते थे। जब उनके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए चुन लिए गए, तब उनकी पुरानी स्टिक धनराज को मिली। धनराज ने 1985 में मात्र 16 वर्ष की आयु में मणिपुर में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेली। वह देखने में दुबले पतले थे, फिर भी कोई उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। 1986 में सीनियर टीम में जगह मिलने पर वह मुंबई चले आए। अपने बेहतरीन खेल की बदौलत उन्हें ऑलविन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। तब से उनकी सफलता की कहानी शुरू हुई। धनराज का पढ़ने में मन नहीं लगता था। उन्होंने 10वीं कक्षा तक की शिक्षा ग्रहण की है, परंतु आज हॉकी की बदौलत वह स्वयं को बैचलर ऑफ हॉकी मानते हैं। विनीता के प्रश्न का उत्तर देते हुए धनराज बताते हैं कि उनका बचपन अत्यंत अभाव में बीता। वह स्वयं को बहुत असुरक्षित महसूस करते थे, इस कारण वह आक्रामक हो गए। उनकी तुनक मिजाजी की वजह यह है कि उनसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता और वह सीधे सीधे बात कहने के आदी हैं। जीवन में हर छोटी बड़ी चीज के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा है, इसलिए वह चिड़चिड़े भी हो गए हैं। इन कमियों के बावजूद वह एक भावुक इंसान है, किस वह नहीं देख सकते, तथा परिवार एवं दोस्तों की कद्र करते हैं। इतना ही नहीं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में उन्हें कोई संकोच नहीं होता है। परिवार में सबसे अधिक वह अपनी माँ के करीब हैं, साथ ही बड़ी भाभी कविता को भी प्रेरणा स्रोत मानते हैं। धनराज बताते हैं कि सन 1988 में जब वह राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने दिल्ली गए थे, तब उन्होंने पहली बार कृत्रिम घास देखी थी। उन्हें यकीन नहीं हुआ था कि विज्ञान इतनी तरक्की कर चुका है कि कृत्रिम घास तक उगाई जाने लगी है। आरंभ में शोहरत मिलने के बाद भी धनराज के पास पैसों की कमी रही। उनकी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमाड़ा थी। वह उस वक्त भी लोकल ट्रेनों और बसों में यात्रा करने को मजबूर थे। आमदनी में उन पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी भी थी। उन्होंने पैसा जमा कर बहन की शादी की। सन 2000 में अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने फोर्ड आइकॉन खरीदा। विदेशों में खेलकर कमाए धन से उन्होंने 1994 में पुणे में 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट खरीदा था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया। धनराज कहते हैं कि ऐसे घर को खरीदने की उनकी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। आज जब धनराज प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मिलते हैं, तो उन्हें लगता है कि वह कितने खास हैं। हॉकी के कारण ही उन्हें यह सम्मान मिला है। साक्षात्कार। पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरा नंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी इसका शौक हुआ। पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे।
इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था और देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी। मगर एक साल के बाद ही ऑलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप बताइए कि आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी का खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी भी कह सकते हैं। आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा हूँ। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष किया है। मेरी तुनक मिजाजी के पीछे कई वजह हैं, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ और बाद में तो कई बार पछताना भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से ही मिली है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की है। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले अपनी माँ से ज़रूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। वह भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेल नेशनल्स में भाग लेने के लिए 1988 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विन करवालो मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे। और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके। हर युवक का एक सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई ज़रूरी नहीं है कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी थी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूं और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं भी जो थोड़ा बहुत कमाता था उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसा भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा है, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई
उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है पर हम सब के लिए काफ़ी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी ना हो पाती। सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्लई की कैसी छवि उभरती है, वर्णन कीजिए। जैसे कि साक्षात्कार में उल्लेख किया गया है, धनराज पिल्लई दुबली कदकाठी के हैं। वे बहुत जुझारू स्वभाव के हैं। वह अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। बचपन का समय संघर्षपूर्ण होने के कारण वे तुनक मिजाजी हैं। उन्हें गुस्सा अधिक आता है। वे अपने घर परिवार की बहुत इज्जत करते हैं। पहले वे अपनी पढ़ाई लिखाई को लेकर खुद को हीन समझते थे, लेकिन बाद में हॉकी से मिली प्रसिद्धि के बाद उन्हें खुद पर गर्व है। प्रश्न दो। धनराज पिल्लई ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की है। लगभग 100 शब्दों में इस सफर का वर्णन कीजिए। पिल्लई का जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा अत्यंत संघर्षपूर्ण रही। इनका बचपन मुश्किलों से भरा था। गरीब परिवार में होने के कारण इनके पास अपनी हॉकी स्टिक तक नहीं थी। हॉकी खेलने के लिए इन्हें अपने साथियों से उधार पर हॉकी स्टिक मांगनी पड़ती थी और वो भी उन्हें तब ही मिलती थी जब उनके साथी खेल चुके होते थे। इन्हें अपने जीवन की पहली हॉकी स्टिक तब मिली जब इनके बड़े भाई का भारतीय कैंप के लिए चयन हुआ। हॉकी स्टिक इन्हें दी। मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। 1986 में इन्हें सीनियर टीम में डाल दिया गया। इन्होंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब ये 1988 में नेशनल्स में भाग लेने के लिए दिल्ली आए। इनकी पहली गाड़ी एक सेकेंड हैंड अरमाड़ा थी। काफ़ी नामी खिलाड़ी बनने के बाद भी इन्हें लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करना पड़ता था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने इन्हें पवई में एक फ्लैट दिया और सन 2000 में इन्होंने अपनी फोर्ड आइकॉन खरीदी। प्रश्न संख्या 3। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले की इस बात का क्या अर्थ है? सफलता से लोग प्राय घमंड में अंधे हो जाते हैं, इसलिए धनराज पिल्लई की माँ ने उन्हें विनम्र रहने की सीख दी है। बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को विनम्रता से हल किया जा सकता है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र ही रहना चाहिए, जैसे फल से लदा एक पेड़ झुका रहता है। अन्य प्रश्नों में, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, क्यों? पता लगाइए। ध्यानचंद हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थे। वे हॉकी स्टिक और बॉल के साथ इस तरह खेलते थे मानो कोई करिश्मा है, इसलिए उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। भाषा की बात, केवल प्रत्यय लगने से किस प्रकार शब्दों के अर्थ में अंतर आ जाता है, जिसे हम वाक्य प्रयोग के माध्यम से देखेंगे। जैसे कि पहला शब्द है प्रेरणा। मेरी माँ मेरी प्रेरणा है। प्रेरक, रामायण तथा महाभारत प्रेरक कथाएं हैं। प्रेरित, मैंने अपनी बहन से प्रेरित होकर इस खेल में भाग लिया। संभव, इतनी जल्दी यह काम करना मेरे लिए संभव नहीं है। संभावित, यह परीक्षा के लिए संभावित प्रश्नों के उत्तर हैं। संभवतः यह कार्य आज पूरा हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा शब्द है उत्साह। सफलता मिलने से विद्यार्थियों में बहुत उत्साह भरा है। उत्साहित, माँ से मिलने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ। उत्साहवर्धक, यह समाचार सभी के लिए उत्साहवर्धक है। अगला प्रश्न है तुनक मिजाज शब्द। तुनक और मिजाज दो शब्दों के मिलने से बना है। क्षणिक, तनिक और तुनक एक ही शब्द के भिन्न रूप हैं। इस प्रकार का रूपांतर दूसरे शब्दों में भी होता है, जैसे बादल बादर, बदरा बदरिया कहा जाता है। मयूर को मयूरा मोर, दर्पण को दर्पण दर्पण कहा जाता है। उसकी सहायता लेकर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक रूपों को खोजिए। कम से कम 4 शब्द और उनके अन्य रूप लिखिए, जैसे कि उदाहरण के लिए आपको दिए जा रहे हैं काजल, जिसे काजर या कजरा भी कहा जाता है। चंद्र को
चांद या चंदा भी कहा जाता है, वर्षा को बरखा या बारिश कहा जाता है, सूर्य को सूरज या सूरजा भी कहा जाता है। हर खेल के अपने नियम, खेलने के तौर तरीके और अपनी शब्दावली होती है। जिस खेल में आपकी रुचि हो उसे संबंधित कुछ शब्दों को लिखिए, जैसे फुटबॉल के खेल से संबंधित शब्द हैं गोल, बैंकिंग, पासिंग, बूट इत्यादि। इसी प्रकार हम यहाँ पे उत्तर के रूप में ले रहे हैं क्रिकेट से संबंधित शब्दावली, जैसे गेंद, बल्ला, विकेट, रन, बल्लेबाज, गेंदबाज, अंपायर इत्यादि। इसी प्रकार आप भी अपनी रुचि के खेल से संबंधित शब्दावली के बारे में लिखेंगे। अन्य प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा भी साथ लेकर आए। क्या आप धनराज पिल्लई की इस बात से सहमत हैं? अपने अनुभव और बड़ों से बातचीत करके इसे लिखिए। यहाँ धनराज पिल्ले की यह बात बिल्कुल ठीक है कि शोहरत और दौलत दो अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध हो उसके पास दौलत भी हो। प्रश्न संख्या 2, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल? क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? माफ़ी मांगना मुश्किल होता है या माफ़ करना? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना आसान होता है या मुश्किल। अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना मुश्किल होता है क्योंकि लोग बहुत बार अहंकार के शिकार हो जाते हैं। वे लोग जिनमें सही गलत को परखने की क्षमता होती है तथा जो आत्म केंद्रित नहीं होते, उनके लिए माफ़ी मांगना आसान होता है। अगला प्रश्न है, क्या आप और आपके आसपास के लोग अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं? हाँ, मैं अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेता हूँ। हमारे आसपास के कुछ लोग भी अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लेते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न था, क्या माफ़ करना आसान है या माफ़ी मांगना? तो किसी के लिए माफ़ करना ज़्यादा मुश्किल होता है। माफ़ करने के लिए हमें अपनी तकलीफ तथा नुकसान को भूलना पड़ता है, जो कि आसान नहीं है। अगला प्रश्न है, किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? हॉकी भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। यह खेल भारत के सभी छोटे बड़े शहरों में अनेक वर्षों से खेला जाता रहा है। भारतीय खिलाड़ियों ने इस खेल में बहुत गौरव कमाया है। सन 1928 से 1956 तक भारत ने ओलंपिक खेलों में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। अतः भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। धन्यवाद। गृह कार्य, सबसे पहला प्रश्न है कि अपने प्रिय खेल के विषय में एक अनुच्छेद लिखिए, यानी कि जो भी आपका प्रिय खेल है उसके बारे में आपको एक अनुच्छेद लिखना है। दूसरा प्रश्न है, अपने प्रिय खिलाड़ी के विषय में जानकारी संकलित कीजिए। अगला प्रश्न, आपका जीवन लक्ष्य क्या है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार धनराज पिल्लई का अपना जीवन लक्ष्य था कि उसे एक सफल हॉकी खिलाड़ी बनना है, उसी प्रकार आपके जीवन का लक्ष्य क्या है उसे स्पष्ट कीजिए। क्षेत्र अथवा गांव के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का साक्षात्कार लेने का प्रयास करें। इसके लिए जो आप प्रश्न निर्माण करें उसमें आप अपने विषय अध्यापक, जो आपके हिंदी टीचर हैं, उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। जितनी भी परियोजना कार्य आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं उनके बारे में अपने विषय अध्यापक के साथ चर्चा करें और उन्हें उनके मार्गदर्शन में ही पूरा करने का प्रयास करें। धन्यवाद।